हेलो गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो गए और मैं भी अच्छा हूँ। फिलहाल गाइज आज का डेट है 29th of May एंड अभी टाइम हो रहा है रात के 3 बज रहे। 29th of May था बट अभी 30 May हो चुका है। तो गाइज इन दिनों पिछले 20-25 दिन में जो कुछ भी हुआ वो आप सबको पता है, बट उस चीज़ को हुए हुए 25 दिन हो चुके हैं और लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मेरी थार भी वापस आ चुकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा अच्छे से, मैंने शूट करा है। बट ये वीडियो कुछ डिफरेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। मेरे वीडियो पे जो भी कमेंट्स आ रखे हैं यूट्यूब पे उन सभी का रिप्लाई मैं करूँगा और ये फाइनल रिप्लाई होगा मेरा। मैं इन चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जो लोग मेरे से प्यार करते हैं वो इन सब चीज़ सुन के या फिर देख के अपना टाइम वेस्ट करो। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में फटाक से खत्म कर दूँ। तो गाइज हाल ही में मैंने अपने नीट डे का व्लॉग डाला था, व्लॉग नहीं वीडियो था, जो कुछ भी हुआ मैंने आपको बताया था, जो कुछ मेरे लाइफ में हुआ था मैंने आपसे शेयर करा था। बट उस वीडियो पे अराउंड 1100 कमेंट्स हैं। मैं देख के शॉक्ड हो गया। मैं कल कमेंट्स पढ़ रहा था, उससे पहले मैंने कोई भी कमेंट्स नहीं पढ़ा था। जो भी लाइव चैट्स में कमेंट आए थे वो मैंने पढ़ा था और लाइव चैट्स में काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स थे। एंड जो लोग मेरे से प्यार करते हैं वही लाइव देख रहे थे क्योंकि वही लोग पहले वीडियो देखते मेरा। तो उन लोगों का रिस्पॉन्स देख के, उन लोगों का रिएक्शन देख के, उन लोगों का कमेंट्स देख के मुझे बहुत खुशी और बहुत सारा हिम्मत मिला था। बट रिसेंटली मैंने कल कमेंट सेक्शन खोला अपने वीडियो का और उसमें भर भर के नेगेटिव कमेंट्स थे और पूरे कमेंट्स थे। तो उस टाइम मैं इतना डिमोटिवेट हो गया कमेंट्स देख के कि इतने नेगेटिव लोग होते हैं इस दुनिया में और उन्हें बस लोगों को ट्रोल करने और कुछ सैवेज कमेंट करके लाइक्स पाने, क्या पता उनमें इन्हें कितने मज़े आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं ये चीज़ देख के बहुत ही डिमोटिवेट हो गया कि इतने नेगेटिव लोग हैं इस दुनिया में और अच्छे लोग हैं ही नहीं। बट फिर मैंने स्क्रॉल करा कमेंट्स और देखा इतने सारे आप लोग के कमेंट्स और आप लोग का इतना सारा ब्लेसिंग और मुझे इतना सारा प्यार मिला जो YouTube आपको टॉप कमेंट्स पे नहीं दिखाता है। ब्रो डोंट वरी, भगवान ने आपकी सारी मेहनत देखी है। इट्स ओके ब्रो, डोंट वरी मैन। हेलो भैया, आई एम अ CA एस्पिरेंट, आई एम वॉचिंग योर व्लॉग, इट्स गुड टू सी यू। ओके स्टे स्ट्रॉन्ग भैया, होप यू आर डूइंग गुड नाउ। आर यू ओके शोभित, मोर पावर टू यू, इट शुड हैव बीन सो टफ फॉर यू मैन। भाई कोई बात नहीं, आप नीट नहीं दे पाए, बी मोटिवेटेड, नेवर अपसेट, गॉड ब्लेस यू एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। सॉरी टू हियर इट भैया, किसी ने सच बोला, जिस पे बीतती है उसे पता चलता है। सब तो यहाँ आगे हेट कमेंट करके चले जाएंगे, उनको तो मजा आता है। किसी एक इंसान को हर कोई पसंद नहीं कर सकता, चाहे इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो। शोभित तुम्हें सपोर्ट करने वाले भी हैं, तुम जो भी करो अपने लाइफ में वो तुम्हारा डिसीजन है और मुझे पता है तुम सही डिसीजन लोगे और जल्दी हील हो जाओ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच पुष्पक एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया। गाइज ये सिर्फ स्टार्टिंग के कमेंट्स हैं जो मुझे दिखे थे स्टार्टिंग में, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स हैं और इससे भी लंबे लंबे कमेंट्स हैं जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट शायद नहीं लगाया हो या फिर लगा दिया हो। तो उन सभी को दिल से शुक्रिया इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और इतने मोटिवेशनल कमेंट्स गाइस, मैं जब पढ़ रहा था मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे कितना मोटिवेशन मिला है सब कमेंट्स पढ़ के। और जितना मैंने आपको कमेंट्स दिखाया अभी वो मैंने जितना स्क्रीनशॉट ले रखा था उतना मैंने अपलोड करा और इससे बहुत ज़्यादा कमेंट जो आपको नहीं दिखता है, जो आपको YouTube टॉप कमेंट्स पे नहीं दिखाता है। टॉप कमेंट्स पे वही कमेंट रहते हैं जिसको लोग लाइक करते हैं, जो अपने सैवेज कमेंट करके लाइक ले लेते बहुत सारे और वही कमेंट टॉप रैंक करते हैं। बट अब स्क्रॉल करोगे तो आपको इतना ज़्यादा प्यार दिखेगा। खैर मुझे किसी को दिखाना नहीं है। थैंक यू वेरी मच गाइस मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए मेरे इस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे आप लोग की बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे दिल के हर एक कोने से शुक्रिया आप सभी को, एंड आई लव यू ऑल। और हो सके तो मैं खुद से सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दूंगा। तो अब बात करते गाइज सारे बुरे कमेंट्स के बारे में और जो कुछ भी कमेंट्स पे टॉप कर रहे हैं उन सब के रिप्लाई के बारे में। तो मैं सभी का रिप्लाई तो नहीं दूंगा क्योंकि इतने सारे कमेंट्स का मेरे पास भी टाइम नहीं है मैं रिप्लाई दूँ। बट जो मुझे जेन्यून लगा कि हाँ इसका रिप्लाई मुझे देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कमेंट्स है जो अच्छे लोग होंगे उन्हें भी इन्फ्लुएंस कर देगा उसे सोचने में, फिर हाँ ऐसा भी हो सकता था शोभित तुमने ऐसा क्यों नहीं करा। तो पहला कमेंट ऐसा था कि आपने कैब क्यों नहीं लिया या फिर आपने ऑटो क्यों नहीं लिया और आपने एग्ज़ाम सेंटर क्यों नहीं गया आप। तो गाइस मैं जिस रास्ते पर था, मतलब मेरे शहर में तो कैब है ही नहीं तो मैं कैब कैसे लेता, और ऑटो का बात तो हाईवे पे ऑटो नहीं चलती है, उस रोड पे ऑटो नहीं चलती है टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस। और इन सब से भी परे वो जो सिचुएशन था, वो जो टाइम था, वो जो माहौल था, उसमें समझ में नहीं आया क्या करूँ। ऑटो कैब तो बहुत दूर का बात है,
तो इस कारण मैं नहीं जा पाया अपने सेंटर पे वो सिचुएशन हैंडल करने में और वो सिचुएशन फेस करने में। वो मुझे ही पता गाइस उस टाइम क्या हुआ था। और कुछ लोग बोल रहे थे कि जब तुम थार से शोरूम आ सकते थे तो तुम सेंटर क्यों नहीं गए। गाइस मैं अपने थार से शोरूम नहीं आया हूँ। आपने वीडियो में देखा होगा टोइंग कार आई थी हमें लेने के लिए, टोइंग कार हमारे थार को टो करके शोरूम ले गया था। कार चलने की भी हालत नहीं थी, इतना गंदा डैमेज हुआ था और हमारा बिल भी अराउंड 1,79,000 करीब आया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सोचो इतना ज्यादा बिल आया है तो कार कितना डैमेज होगा। तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाए सेंटर पे। और दूसरा कमेंट ये टॉप पे रैंक कर रहा है कि नीट 2023 में मैंने आईफोन चोरी का बहाना दिया था और 2024 में मैं एक्सीडेंट का बहाना दे रहा हूँ। सीरियसली गाइस 2023 में, 2023 में जब मैं नीट दिया था अपना सेकेंड टाइम, और वो मेरे हिसाब से मेरा पहली बार नीट था क्योंकि मुझे पता है मैं नीट कैसे डिसाइड करा कि मुझे नीट करना है, क्या करना है वो आप लोग ही बताओ जो मेरे से प्यार करते हैं और जो मुझे स्टार्टिंग से जानते हैं उनको बताओ मैं नीट कैसे दे रहा हूँ। और ना ही मैं कोई टॉपर हूँ, ना मैंने अपने स्टार्टिंग से वीडियो में आपको ये बता रखा कि मैं टॉपर हूँ वगैरह वगैरह। तो 2023 में जब मैंने नीट दिया था उसके 2 दिन पहले शायद मेरी आईफोन चोरी, 2 या 3 दिन पहले मेरा आईफोन चोरी हुआ था। और वो एक दिन का दुख था, मतलब ऐसा नहीं कि उस चोरी के कारण मेरा नीट खराब किया। मैंने उस दिन के बाद वाले व्लॉग में या फिर नीट डे वाले व्लॉग में भी आईफोन का जिक्र तक नहीं करा गाइस कि मेरा आईफोन चोरी हो गया है तो मेरा इससे पेपर खराब गया या फिर मैं इस कारण परेशान हूँ या फिर मैं एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाऊंगा। मैंने आईफोन का जिक्र तक नहीं करा अपने उस वीडियो में, नीट डे वाले वीडियो में या फिर अपने एक्सपेक्टेड स्कोर वाले वीडियो में या फिर अपने नीट रिजल्ट वाले वीडियो में मैंने आईफोन का जिक्र तक नहीं करा कि इस कारण से मेरा एग्जाम खराब गया हो। तो आप लोग कैसे बोल रहे हो कि मैंने आईफोन चोरी होने का बहाना दिया था अपने नीट 2023 में। खैर बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, बट जो लोग नहीं जानते ये चीज उन्हें मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसा मत सोचो उनके कमेंट्स देख के। और आप चाहते हो तो आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो नीट डे वाला या फिर मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर वाला या फिर मेरा रिजल्ट डे वाला वीडियो। अब क्या ही कर सकते हैं, जो फालतू करना तो करेंगे कमेंट्स, उन पर मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है फूल बनाना। लाइक मैं एस्पिरेंट्स को फूल बना रहा हूँ, ऐसे कुछ लोग कमेंट किए कि मैं एस्पिरेंट्स को फूल बना रहा हूँ। लाइक सीरियसली मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ और ना ही मैं कोई ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो बनाता हूँ या फिर ना ही मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप ये फॉलो कर लो या फिर मेरा वीडियो देख लो तो आप नीट में टॉप कर लोगे, ना ही मैंने ऐसा कुछ बोला है कभी। तो मैं फूल कैसे बना रहा लोग को फालतू वाले कमेंट्स, सब कमेंट देख के मुझे इतना गुस्सा आता है मैं क्या बताऊँ आपको। लाइक मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं आपको अपना डे इन द लाइफ मैं दिखा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ ये दिखा रहा हूँ, तो इसमें फूल बनाना क्या हुआ मुझे आप इसका रिप्लाई दो। मेरे वीडियो से तो लोगों को इंस्पायर होना चाहिए कि अगर ये बंदा अपना म्यूजिक छोड़ के, अगर इसके पास प्राइवेट का ऑप्शन है फिर भी ये नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इतना सारा फैसिलिटीज होने के बाद भी अपना पूरा टाइम पूरा ध्यान पूरी मेहनत नीट को दे रहा है, तो इससे लोग इंस्पायर होकर मुझे कमेंट भी करते हैं। मुझे अभी पता है बहुत लोग तो ये कमेंट करते हैं कि आपको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ, तो मैं इसमें लोगों को फूल कहाँ बना रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये 20 घंटे वाले वीडियो सो कॉल्ड आपने 20-20 घंटे पढ़ के नीट नहीं क्रैक कर पाए, ये भी कुछ लोगों का कमेंट था। सो गाइज मैंने 20 आवर्स स्टडी वाला सिर्फ 2 से 3 वीडियो डाला होगा और वो भी उस दिन जिस दिन मुझे अपना रूटीन ठीक करना होता है। लाइक जैसे मेरा अभी भी रूटीन बहुत ख़राब चल रहा है, मैं रात को बहुत लेट होता हूँ और दिन में बहुत लेट उठता हूँ, तो मुझे इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिन सोना स्किप कर देता हूँ और नेक्स्ट डे जल्दी सो लेता हूँ जिससे मेरा रूटीन ठीक हो जाए। तो मैं जिस रात को अपना सोना स्किप कर रहा हूँ तो मैं टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा, ऑफकोर्स पढ़ाई करूँगा, तो वो पूरा दिन पूरा रात मिला के आराम से 20 घंटे उससे ज़्यादा भी बातें कभी कभार। तो सिर्फ उस दिन मैंने दिखाया कि जिस दिन मैं नहीं सोया हूँ उस दिन मैं 20 घंटे पढ़ाऊँ, और वो सिर्फ 1-2-3 वीडियो ऐसा जैसे मैंने दिखाया कि मैं 20 घंटे पढ़ाऊँ, तो मैंने वो प्रॉपर बोला है आपको वो चीज़ मैं क्यों 20 घंटे पढ़ रहा हूँ और ना ही मैं डेली पढ़ाऊँ। और अगर मुझे फूल बनाना होता तो मैं हर वीडियो में लिखता कि मैं डेली 20-20 घंटे पढ़ रहा हूँ नीट के लिए, जो कि मैंने कभी नहीं करा। मैं जितने जितना घंटा पढ़ा हूँ वो क्लासेस PW के लेक्चर्स प्रैक्टिस TVP सब कुछ मिला के मैंने बताया आपको हमेशा, तो मैं इसमें फूल कहाँ बना रहा हूँ और ये फालतू कमेंट्स लिख के आप लोगों को परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं। तो इन सब के अलावा मैंने फूल किधर बनाया है लोगों को या फिर एस्पिरेंट्स को, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। और जो कोई भी कमेंट कर रहे हैं गाइस नेगेटिव, आप प्लीज़ करते रहो, उससे मेरा ही रीच बढ़ रहा है। आप कमेंट करोगे YouTube मेरा वीडियो पुश करेगा और ऑलमोस्ट 50,000 व्यूज हो चुके मेरे नीट डे वाले वीडियो पे। तो आप कमेंट करते रहो नेगेटिव, मेरा वीडियो और पुश होगा और रीच मिलेगी मुझे, और मेरे पेरेंट्स को मुझे इतना जवाब देना नहीं पड़ता है ना ही मेरे से वो कितना क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लोग जो लोग भी मेरे को नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो
उन लोग का मेरी जिंदगी में थोड़ा भी वैल्यू नहीं है और ना ही मैं आपको इतना वैल्यू दूंगा कि आपका मैं रिप्लाई करते रहूं। तो आपको जो करना है, जितने निगेटिव करना है करते रहो, आई डोंट केयर। जो लोग भी निगेटिव कमेंट्स करते हैं प्लीज जाएं अभी भी इस वीडियो में निगेटिव कमेंट्स करें और आगे भी करते रहें। आप लोगों का काम यही, आप लोगों के पास कुछ काम नहीं है इन सब के अलावा, जाओ निगेटिव कमेंट्स करो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने इतना अच्छा कमेंट करा, जिन्होंने इतना प्यारा रिस्पॉन्स दिया, उन सभी को दिल से शुक्रिया। आई लव यू ऑल। यही था गाइस इस वीडियो में, आई होप आपको सारे जवाब मिल गए होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी था देना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पे ऐसे रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि लोग ही फालतू हैं गाइस, और फालतू को क्या ही रिप्लाई दें हम। लाइक मेरे इधर लोग बोलते भी हैं कि कुत्ते भोगे हज़ार हाथी चले बाजार, और किसी पे कूड़ा डालोगे तो वो खुद ही बैक आएगा। मतलब क्या क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। तो उन्हें करने जो नहीं, तो उन्हें करने जो भी नेगेटिव कमेंट करना है, हम लोग पढ़ाई भी ध्यान देंगे, अपने आगे फ्यूचर भी ध्यान देंगे। उन लोगों का फ्यूचर यही है कि सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करते रहें, तो करने दो उन्हें, ठीक है, और मेरा रीच बढ़ाने दो। मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्लान शेयर करते हुए। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड बाय।